एक रोबोट गर्लफ्रेंड होने का अनुभव क्या होता है, जिसके बाल स्टील के तार से भी तेज हैं और वो बिना किसी एफर्ट के एक बदमाश को 40 मीटर दूर फेंक सकती है। उसका सिर्फ औलाद से भी सख्त है। वो एक स्टील पाइप तोड़ सकती है और फिर भी ठीक हो सकती है। उसकी गति फ्लैश के बराबर है। उसकी पर्सनालिटी किसी चुलबुली गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूंखार है। किता के साथ उसके रिश्ते की सबसे सुखद बात यह है कि वो हमेशा महसूस कर सकता है कि जिंदा रहना कितना अच्छा है। दरअसल 2007 में किता के जन्मदिन के दिन पर किता मॉल में शॉपिंग करते करते बोर हो गया था। तभी अजीब कपड़ों वाली एक लड़की ने उसका ध्यान आकर्षित किया। लड़की ने भी किता को देखा और उसे देखकर मुस्कुराई। बाद में उसने एक ड्रेस ली और उसे चेंज किया जब शॉप असिस्टेंट नहीं देख रहा था। किता हैरान था और उसने सोचा कि वो एक चोर है, और लड़की ड्रेस से बाहर निकली और आत्मविश्वास से बाहर चली गई। उसने किता को मुस्कुराते हुए देखा। किता ने देखा कि वो थोड़ी एक्साइटेड थी। जब किता बाहर आया तो उसने पाया कि लड़की दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है और मुस्कुरा रही है। किता को लगा कि वो कोई चोर है, इसलिए वो चला गया। लेकिन अब लड़की भी उसका पीछा करने लगी।